400 का जो फिल्म है इनका, पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है, मतदान कल ख़त्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो है भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं, बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी ख़त्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए, कल दो दो सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने, तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल गए, हम तो ट्वीट किए ही थे, तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका, पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही। अच्छा, मोदी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें टेली प्रोटेक्शन जो है आप लोग काट करके मुसलमानों को दे देंगे, एससी के साथ भी वही होगा क्या चीज? मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण। मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं, ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेंगे और कुछ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।